विक्रम संवत 1714 जैन साधु भगवान पूज्य श्री भाव विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास गुजरात के पाटन नगर में था। जैसा कि हमें पता है कि जैन साधु भगवान तो चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह विहार यानी ट्रैवल करते हैं, तो चातुर्मास के पहले काफी गर्मी में कड़ी धूप में विहार के दौरान भाव विजय जी महाराज साहब की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। चातुर्मास में अनेक उपचार करने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो पाया। आखिर गुरुदेव श्री देवसूरी महाराज साहब ने कहा कि जब हर एक मानवीय शक्ति निष्फल होती है तो सिर्फ दिव्य शक्तियों से कुछ सुधार की संभावना होती है। गुरुदेव श्री के निर्देशानुसार भाव विजय जी महाराज साहब ने पद्मावती माता की साधना शुरू की। एक मध्य रात्रि को पद्मावती जी ने नमस्कार करते हुए भाव विजय जी महाराज साहब को वंदन किए। पद्मावती जी ने खुद के आगमन के बारे में भाव विजय जी महाराज साहब को बताया और कहा कि बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जब पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब ने आंखों के अंधेपन के कारण साधु यानी संयम जीवन का पालन कठिन होने के बारे में पद्मावती जी को बताया, तब पद्मावती माता ने कहा कि आपके भूतकाल के कोई काफी कठिन कर्मों का यह फल है, क्षमा कीजिए किंतु आपकी आंखों का तेज देने की हमारी ताकत नहीं है, किंतु एक विकल्प है, एक और रास्ता है। भाव विजय जी महाराज साहब ने पूछा कौन सा, तब पद्मावती जी ने बताया कि इस पृथ्वी तल पर विदर्भ जो आज के महाराष्ट्र में आता है, उस विदर्भ देश में कलिकाल में कल्प वृक्ष समान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा विद्यमान है। आज तक इनके प्रभाव से कई जीवों ने तन मन और अनेक तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई है। आप भी ऐसे चमत्कार चूड़ामणि पार्श्वनाथ परमात्मा के शरण में पधारिए, आप निश्चित ही अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त करेंगे। भाव विजय जी महाराज साहब ने पद्मावती जी से जिज्ञासा से पूछा कि आप तो साक्षात देवी शक्ति हो और आप खुद की असमर्थता दिखाते हो और एक जड़ प्रतिमा जी के कल्पनातीत प्रभाव को बताते हो, यह कैसे संभव है। पद्मावती जी ने उत्तर दिया कि उनका प्रभाव समझने के लिए आपको उनके इतिहास को जानना होगा, तो सुनिए अंतरिक्ष जी परमात्मा का पूरा इतिहास। यह परमात्मा की प्रतिमा असामान्य संयोग में असामान्य व्यक्ति द्वारा निर्माण की गई है। इस प्रतिमा को जड़ प्रतिमा मत समझो, इस दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं है जो इस प्रतिमा के प्रभाव से प्राप्त न हो और इस जगत का कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो इन परमात्मा के प्रभाव से नष्ट न हो। इनके प्रभाव को जानने के लिए समझने के लिए आपको आज इनका इतिहास बताते हैं। इसके बाद पद्मावती माता ने क्या बताया था, कैसे ये प्रतिमा जी आज हम तक पहुंची, क्या प्रभाव है अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ दादा का, आखिर क्या है अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास, वो हम देखेंगे अगले भाग से। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।